हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज और एक आई लुक बताने वाली हूँ। तो उससे पहले हम लोग तो हमेशा अपने फोरहेड से सबसे पहले अपने फोरहेड क्लीन करें। अब हम लेते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेस, किसमें रखी है तो देखो। तो हम लगाएंगे ब्लू कलर का कॉन्टैक्ट लेंस, इसमें ब्लू कलर का। सो गाइस, अब हम यूज़ कर लेते हैं मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज करने के लिए फेस को मैं पपाया वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ, पपाया और टी ट्री वाला, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सॉरी, ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है, मतलब रिफ़्रेश कर देता है आपको। उसके बाद फिर मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है पर्पल का। ये प्राइमर सिलिकॉन बेस है और इतना अच्छा प्राइमर है ना, बहुत मतलब चलेगा भी आपका बहुत दिन, और प्राइमर भी बहुत अच्छा है। अब मैं म्यूज़िक फ्लावर का जेल, आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं आईब्रो पे अप्लाई करूँगी छोटे से ब्रश से। तो देखिए, जूम कर लिया है कैमरा को और अब मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हाफ इन हाफ शुरू करूँगी, हाफ से इस तरीके से ही मैं कर लेती हूँ, बड़े अच्छे से हो जाता है। तो ये देखिए, ऐसे ही लाइनिंग बनानी है। मेन मोबाइल से शायद आपको ठीक से दिख ना रहा हो, पर आपकी जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग हो जाए उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में आप पोंछ सकते हो उसको, या फिर आप फाउंडेशन से कवर कर सकते हो, या फिर आप फैन से भी पोंछ सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो आपको इसी तरीके से बता दे रही हूँ। तो उसके बाद ये हो चुका है, अब हम इसको करेंगे सेट। तो जैसे कि हम अपने मेकअप को, फाउंडेशन को पाउडर से सेट करते हैं, वैसे हम आईब्रो पाउडर से हम अपने जो आईब्रो को हम बनाते हैं उसको सेट करते हैं। आपको अगर नहीं आता जेल से, तो आप सिर्फ आईब्रो पाउडर जो होता है उससे आप सेट कर सकते हो। तो जो भी एक्स्ट्रा है इसको मैं पोंछ ले रही हूँ। तो अब मैंने लगा लिया है सोलिटॉप, और अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ कंसीलर। तो मैंने लिया है पर्पल का कॉन्टोरिंग कंसीलर वाला किट, इसमें से मैं येलो कलर करेक्टर उठा रही हूँ और इसको मैं आइस पे लगा रही हूँ। येलो वाले से क्या होता है ना, बहुत अच्छा ब्राइट दिखता है, और आइस में जो होता है, आइस में आपको ब्राइट कलर का ही फाउंडेशन या फिर आप कंसीलर यूज़ करें हो, ये सब यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आप आई मेकअप जब करते हो ना, तो आपका आइस का जो आई मेकअप है उभर के दिखे। और थोड़ा क्या होता है ना, आइस जो होती है, आइस यहाँ पे थोड़ा डिसकलरेशन हो जाता है, पिगमेंटेशन। तो इसीलिए थोड़ा आप लाइट कलर यूज़ करोगे तो अच्छा रहता है। ये देखिए, मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ, आप इस तरीके, ज़रूरी नहीं यही मेकअप करो, आप दूसरे तरीके का भी मेकअप कर सकते हो, पर मैं ये वाला आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये मेकअप बहुत अच्छा लगा। तो अब देखिए, इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। बहुत पहले मैंने ये मेकअप बना चुकी थी, पर बहुत पहले ही मैंने ये मेकअप लुक शूट कर लिया था, बट अब ये रमज़ान के टाइम पे मैं इसको डालूँगी। तो ये सुबह रात से पहले ही मैंने इसको शूट किया था,
सुबह रात के 2-3 दिन पहले ऐसे ही, बट अभी रमज़ान के टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी डालूंगी। तो इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड कर लें। देन अब मैं पाउडर से सेट करूँगी, जैसा कि आपको पता है पाउडर से सेट करूँगी। पता है अभी अभी क्या हुआ, अभी अभी मैंने वॉइस ओवर किया था, सारा उल्टा फुल्टा हो गया, दोबारा डिलीट करके दोबारा से ही वॉइस ओवर इसमें कर रही हूँ। इतना मेहनत लगता है गाइज, और आप लोग शेयर ही नहीं करते, थोड़ा सा लाइक भी नहीं करते, बहुत मेहनत लगता है। सो अब इसके बाद अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर अपने इन इस पे ब्रो लाइन है ना उसके नीचे, क्योंकि जिनको भी नहीं आता ना वो अगर ऐसे लगा लेते हैं तो उनका उनको क्रीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, इसीलिए भी मैं थोड़ा आपको ये सब बताती हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। सो अब मैंने लिया है आई मैजिक का आई शेडो पैलेट और इसमें से थोड़ा सा पिंक कलर उठा डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना आपके जो लाइट कलर होता है जो आपके थोड़े से आईज़ को इन्हेंस करता है, तो ये वही है, थोड़ा सा ऊपर के तरफ में जो क्रीज एरिया है उस पर लगेगा। तो इसको मैं अच्छे से लगा के बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जब आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हो ना तो बहुत खूबसूरत लगता है, माशाल्लाह, इतना ज़्यादा मत पूछिए। तो अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए आप। दोनों आईज पे मैंने लगा लिया, आप देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देन अब मैं जो लगाऊंगी, अब ये है पर्पल कलर, बैगनी कलर, तो ये बैगनी बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, तो वही कलर को मैं पेंसिल ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा मीडियम पेंसिल ब्रश, तो इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे आईज़ के। तो आप भी इसी तरीके से अप्लाई करें, बड़े अच्छे से होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अप्लाई करने के बाद मैं जो ब्लेंडिंग ब्रश है उससे ब्लेंड कर ले रही हूँ। फिर अगेन मैं कंसीलर ले रही हूँ जो कि पर्पल का ही है, और सेम कलर येलो कलर करेक्टर इसी को यूज़ कर रही हूँ, और इसी से मैं थोड़ा सा कट दे रही हूँ अपने क्रीज को, जो इनर कॉर्नर है उसको, ताकि इस पर मैं जो भी कलर लगाऊँ ना बहुत अच्छे से खिले और बहुत ही खूबसूरत लगे। तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ। फिर इसको थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से हम ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से। ब्लेंड कर लेने के बाद देखिए ये कैसा दिख रहा है। सो अब हमने लिया है आकाशी कलर, यानी कि स्काई कलर, हिंदी में बता रही हूँ आपको, स्काई कलर लिया है, और इसको जो एप्लीकेटर ब्रश है उसकी हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। तो देख रहे हो आप सनलाइट में यही कलर इतना खूबसूरत दिख रहा है, और यही जब मैं नाइट में वीडियो बनाती हूँ तो ये कलर सही से दिखते नहीं। तो इसके बाद हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो भी क्रीज वगैरह हो, ये सब जो हो वो सब ना दिखे, और एक्स्ट्रा लगाया है वैसा ना दिखे, मतलब बिल्कुल ऐसे मिल जाए जैसे लगे माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलर, वाह कितनी अच्छे से इसने ब्लेंड किया। फिर अगेन एप्लीकेटर ब्रश लेके थोड़ा सा पर्पल कलर लेके आउटर कॉर्नर पे थोड़ा टच अप कर लूँगी, उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। तो अब मैं ले रही हूँ पिगमेंट, ये पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको इसकी रिव्यू ज़रूर दिखाऊँगी। तो बिल्कुल ज़रा सा आप पिगमेंट लेते हो ना, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा खूबसूरत सा मतलब आई शेडो को कर देता है। तो पिगमेंट लेके अभी मैं अपने इनर कॉर्नर पे जहाँ पे मैंने लिया है स्काई कलर, तो ये पिगमेंट भी स्काई कलर का, तो देख रहे हो ये कैमरा से बाहर चली जा रही हूँ, ऐसा ही होता है मेरे साथ। पर अभी जो मैं दूसरे आईज पे लगाऊंगी ना तो वो कैमरा के अंदर ही होगा, मेकअप करते करते भूल जाती हूँ। सो ये देखिए अब मैं कैमरा के अंदर से ही लगा कैमरा के सामान में ही लगा रही हूँ, एंड देन उसके बाद हम करेंगे ब्लेंड। रात को 10 बजे करी हूँ, 11 बजे करी हूँ वॉइस ओवर, तो अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि क्रीज वगैरह कुछ भी ना दिखे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम शुगर का लगाएंगे आईलाइनर, जो कि जेल आईलाइनर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाइनिंग बड़ी लंबी विंग रखेंगे, विंग बहुत ज़्यादा ही लंबी रखेंगे ताकि मतलब थोड़ा लगे कि हाँ ये मस्त सा आई लुक हुआ है। तो ये लुक ना मुझे बहुत पसंद आया माशाल्लाह, इसकी पिक्चर्स भी इतनी अच्छी आई, इसकी वीडियोस भी इतनी अच्छी आई ना मत पूछिए। तो मैं इसको अच्छे से लगा लेती हूँ अपने आईज पे इस आईलाइनर को। सो देखिए थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, तो ये आईलाइनर मैंने लगा ली है, और अब इसको थोड़ा सा निकाल देती हूँ, निकाल दिया। और अब मैंने लिया है अब मैंने लिया है ब्लू कलर का आईलाइनर, या स्काई कलर भी बोल सकते हो आप, ब्लू कलर का ये आईलाइनर
आईलाइनर नहीं है, काजल है, सॉरी। वॉइस ओवर करने से ऐसा ही होता है, हम भूल जाते हैं। तो उसके बाद अगेन मैं पर्पल कलर का ले रही हूँ आई शेडो, जिसको मैं एप्लीकेटर ब्रश की हेल्प से लोअर लेस लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, देन हाफ। फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ स्काई कलर एंड देन उसको भी मैं अप्लाई कर रही हूँ ये जो लोअर लेस लाइन के इनर कॉर्नर पे। तो अब मैं मस्कारा ले रही हूँ जो 2-in-1 वाला है, तो सिर्फ मैं ब्लैक कलर ही अप्लाई करूँगी इसका, क्योंकि मैं फॉल्स आई लैशेस लगाऊँगी इसीलिए। तो ब्लैक कलर अप्लाई करने के बाद थोड़े देर के लिए हम इसको सुखा लेंगे और उसके बाद ही हम फॉल्सेस अप्लाई करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैं सोची इसको मोटा कर लूँ, तो ये देखिए इतना ज़्यादा मोटा हो गया ना, ऐसे ही गड़बड़ हो जाए ना तो आप ना दोनों तरफ का ही मोटा कर लो। ये हो गया बंगाली ट्रेडिशनल जो होता है ना, बंगाली लोग में बहुत मोटा मोटा लगाते हैं आईलाइनर, वैसे ही हो गया, मतलब ये पूरा बंगाली लुक हो गया ये। तो अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पे लगा लूँगी एंड उसके बाद थोड़े से आईब्रो को टचअप कर लूँगी। आईब्रो को टचअप करने के बाद मैं लगाऊँगी क्या बोलते हैं आई लैशेस। तो मैं अपने आईज पे अब आई लैशेस लगा लेती हूँ। तो आई लैशेस लगाने के बाद लुक कैसा होगा वो आप देखोगे ना, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। और वैसे तो मैं खूबसूरत हुई, तो लोअर लगाने के बाद उसके बाद आप अपने आईज पे आई लैशेस लगा लीजिए। तो आई लैशेस लगाने के बाद अब देखिए मेरा लुक कैसा आता है।